हाई एवरी वन दिस इज अन वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज के इस वीडियो में मैं... आपको बी एच यू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2022-2023 सेशन के लिए इन्होंने आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन जारी करा था जिसमें एग्जामिनेशन पैटर्न था सिलेबस वगैरह इन्होंने बताया था तो कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डिफिकल्टीज थी तो आज के सेशन में मैंने उनके लिए मेन आपको यही बताया है कि एग्जाम डेट क्या है किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न फॉलो करना है आपका टेस्ट ए और टेस्ट बी क्या होता है तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करा है तो आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके कैसे एक बार देख लेना है और आपके जो भी डाउट्स आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जिससे कि मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊं जिससे कि आपके हर एक डाउट्स इस वीडियो को देखने से क्लियर हो जाए तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बी एच यू रीट यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका उसका मैंने यहाँ पर आपको पैटर्न बताया रखा है तो याद रखना है आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है बी एच यू यूनिवर्सिटी का ये आपका ट्वेंटी फिफ्थ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी टू को कंडक्ट करवाया जा रहा है तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपको याद रखना है एक होता है टेस्ट ए एंड अगर आप टेस्ट ए को क्वालिफाई करते हो याद रखना है टेस्ट ए को अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपको टेस्ट बी देना होता है जो कि आपका इंटरव्यू होता है ओके टेस्ट ए को अगर आप क्वालिफाई करते हो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है इंटरव्यू अब टेस्ट ए क्या होता है सो याद रखना है टेस्ट ए में आपको हंड्रेड एमसीक्स पूछा जाता है हंड्रेड एमसीक्स थ्री हंड्रेड मार्क्स के लिए होता है यानी एक एमसीक्स आपको तीन मार्क्स का दिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है माइनस वन मार्क डिडक्ट करा जाता है अब यहाँ पर जो आपको हंड्रेड एमसीक्यूज है हंड्रेड एमसीक्यू आपको किस तरीके से पूछा जाता है हंड्रेड में से जो फोर्टी एमसीक्यूज है ये आपको रिसर्च मेथेडोलॉजी से पूछा जाता है और जो रिमेनिंग सिक्सटी एमसीक्यूज है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है यानी आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी एच डी कर जैसे कोई हिंदी में कर रहा है कोई ज्योग्रफी कोई इंग्लिश कोई इकोनॉमिक्स कोई कॉमर्स तो इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये सिक्सटी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और रिमेनिंग फोर्टी जो है ये रिसर्च मेथेडोलॉजी से पूछा जाता है सो आई होप की आपको टेस्ट एज होता है उसका पैटर्न समझ में आ गया हो टोटल हंड्रेड एमसीक्यूज होता है एक एमसीक्यू तीन मार्क्स का होता है उस तरीके से आपका टोटल पेपर थ्री हंड्रेड मार्क्स का होता है जिसमें आपको सौ में से फोर्टीसी की रिसर्च मेथेडलॉजी से पूछा जाता है, 60 की आपके पूछा जाता है जो की रिसर्च मेथेडलॉजी होता है आपका जो, जो ये पार्ट जिसमें फोर्टी एमसी पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपका जो रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस है वो भी

30 questions, 30 से so 35 फाइव हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं आप देखोगे एग्जाम में हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली थर्टी से थर्टी फाइव क्वेश्चन प्रीवियस बैच का भी हमें हमारे पास फीडबैक है जिसमें स्टूडेंट्स ने हमने कहा है थर्टी क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे तो याद रखना है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो so, ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है जिससे कि आप वन क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू इस स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे तो यहाँ पर हमने आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न देख लिया टेस्ट एक जो होता है आपका उसका पूरा पैटर्न देख लिया अब हम आपके में चलते हैं आपको जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया था इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है पी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जिससे कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर डेट्स uh, बता रखी है जो कि टेंथ मे 2022 को ही स्टार्ट हो चुकी है आपकी डेट और लास्ट डेट होने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए लास्ट डेट होंगी आपको फॉर्म्स को फिल करने के लिए जो कि है थर्टी फर्स्ट मई ट्वेंटी तो उससे पहले पहले आप याद रखिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म का अच्छी तरीके से आपको डेट को याद रखना है और फॉर्म्स जल्द से जल्द फिल कर लेना है देन नेक्स्ट इन्होंने एडमिट कार्ड बता रखा है जो कि आपके एग्जाम से वन वीक पहले आपको मिल जाएंगे एडमिट कार्ड एंड उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट जो आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी डेट है ट्वेंटी जून ट्वेंटी ट्वेंटी जैसे कि मैंने आपको बताया आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये टेस्ट ए होता है और टेस्ट बी

याद रखना है आपको टेस्ट ए एंड टेस्ट बी अब मैं आपको अच्छे तरीके से और डिटेल में बताती हूँ उसके लिए आपको पेज नंबर 33 पर जाना होगा तो यहाँ पर हम पेज नंबर 33 पर चलते हैं जहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इन्होंने कंप्लीट डिटेल बता रखी है जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा आपका टेस्ट ए होता है एंड टेस्ट बी आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है ओके okay? तो टेस्ट ए में आपको किस तरीके से एमसी पूछा जाएगा तो याद रखना है जैसे कि टेस्ट ए में आपको 40% जो क्वेश्चन होते हैं ये रिसर्च मेथोलॉजी से पूछा जाता है ओके okay? यानी 40 questions आपको आपको रिसर्च से पूछा जाता है जिस यहाँ है जिसमें इन्होंने पर सिलेबस बता रखा जैसे फाउंडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लमेशन रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव रिसर्च मेजरमेंट सैम्पलिंग डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तो यहाँ पर आप सारे आपके जो रिसर्च मेथोलॉजी के टॉपिक्स है यहाँ से आप सिलेबस आपका जो बेसिक सिलेबस होता है वही इन्होंने यहाँ पर आपको बता रखा है और आपके जो 60 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके मास्टर्स लेवल से आपको पूछा जाएगा सिलेबस था, था वही आपको सेम फॉलो करना है उसी से आपको 60 एमसीक्यूज पूछा जाएगा टोटल आपको हंड्रेड एमसीक्यूज पूछा जाएगा और इसके लिए हंड्रेड एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपको वन ट्वेंटी मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जो कि आपका थ्री मार्क्स का पेपर होगा याद रखिएगा अगर आप क्वेश्चन राइट right करते हो तो आपको प्रॉपर थ्री मार्क्स दिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन तो तो है, sure है वरना आपका नेगेटिव में मार्किंग चला जाता है नेक्स्ट मैं आपको बता दू आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए यानी आपको टेस्ट ए को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स स्कोर करना है तभी आप टेस्ट भी यानी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं, उनको यहाँ पर छूट दी गई है एंट्रेंस टेस्ट से यानी आपको टेस्ट ए जो होता है आपका ये नहीं देना होगा डायरेक्टली आपको टेस्ट बी देना होगा जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है अब कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जिन्होंने नेट स्लेट गेट ये एग्जाम कर रखा है ये यहाँ पर एक्समटेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको ये याद रखना है जैसे कि ये हमारा जो वीडियो था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको डेट्स बता दिया एग्जामिनेशन डेट आपको याद रखनी है जो कि है ट्वेंटी जून ट्वेंटी एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हो आपको फोर्टी एम सी की रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाता है सिक्सटी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और यही आपका टेस्ट ए होता है जो कि आपको और थ्री हंड्रेड मार्क्स का ये टेस्ट दिया जाता है हंड्रेड एमसीक्यूज होते हैं वन ट्वेंटी मिनट्स होते हैं ओके okay, तो मैंने आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न बता दिया अब मैं जल्दी से बता दू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिल करना है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सो so ये ऑफिशियल लिंक है इस लिंक को भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है वहां से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो अब इसी पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करना है नीचे आना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और यहाँ पर आपको स्क्रोलिंग

टेगरी में बिलोंग करती है एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको वेट करना है जैसे की यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से रजिस्टर करना है आपको और आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा आपने मान लीजिए आपने हाफ फॉर्म फिल करा है आपको नेक्स्ट हाफ फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आप साइन इन कर सकते हो और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने यहाँ पर बता रखा है आपको प्रॉपर आपका ई मेल आई डी मोबाइल नंबर डालना है याद रखेगा क्योंकि ई मेल आई डी पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं आपको एडमिट कार्ड जो होते हैं ये ई मेल आई डी पर ही आता है बेसिकली देन उसके बाद आपको स्कैन फोटो आपका अपलोड करना है देन स्कैन सिग्नेचर देन आपका जो पेमेंट है ये आपको एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका पेमेंट करना है तो याद रखेगा अगर आप एस सी एस टी इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपकी फोर हंड्रेड फीस है और अगर आप जनरल कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपकी एट हंड्रेड रुपीज फी है तो आपको याद रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म तो को किस तरीके से फिलअप करना है आपका एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न डेट क्या होने वाली है ट्वेंटी जून ट्वेंटी और उसके बाद आपका टेस्ट ए होता है टेस्ट बी होता है टेस्ट ए में आपको हंड्रेड एमसीक्यूज पूछा जाता है जिसमें आपको सिक्सटी एमसीक्यू आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टर्स लेवल के पूछे जाते हैं और फोर्टी एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोलॉजी से पूछा जाता है और अगर आप टेस्ट ए को क्वालिफाई करते हो यानी टेस्ट ए में मिनिमम थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स

आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट रिविजन पीडीएफ जिसकी एफ यहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में सारा सब कुछ बता रखा है वीडियो लेक्चर में आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं देन नोट्स नोट्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है अगर आप नोट्स देखोगे हमारे तो आप कहोगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है क्योंकि अगर आप इंटरनेट से नोट्स फॉलो करते हो तो वहां पर आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज देखने मिलती है डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है और याद रखिएगा जब भी आप इंटरनेट से कोई स्टडी करते हैं तो आपको एक ही जगह पर ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लिए कौन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे प्रीवियस इन पेपर को हमने एनालाइज कर हमने ये कंटेंट आपका डिजाइन कर रखा है तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 40 में से 30 से 35 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछा जाएगा तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है क्योंकि आपको आपके जो सिक्सटी एमसी क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड उसके लिए भी उसके लिए भी आपको प्रिपेरेशन करनी होती है तो इसीलिए जल्द से जल्द आपको इस कंटेंट को परचेस करना है क्योंकि ये कंटेंट आपको हम दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में तो याद रखना है जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा याद रखेगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टेक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो ऐप हमारा कुछ इस से दिखता है ये हमारे ऐप का लोगो है और ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है जिससे कि आप वन क्लिक में ही हमारे इस रिसर्च के, के कंटेंट को फॉलो कर हीओगे तो याद रखेगा जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है फी बहुत कम है ओनली फाइव है आप जल्द से जल्द परचेस करिए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और आपके पास अगर अगर आपको कोई अभी भी डाउट है आपके कोई है आपके कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको जो भी इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आई है आज इस वीडियो में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो